अपना के अवसर मुहैया नहीं हुए और महंगाई आज जो है वो चरम सीमा पर है। इसके अलावा बॉर्डर पर पाकिस्तान पर रोजाना एक दो हमारे सोल्जर जो है मारे जा रहे हैं और ये कहकर हम शांत हो जाते हैं कि शहीद हो गए जो है। तो इससे हमारी जो है छवि बहुत ज़्यादा खराब हुई। अब इस समय जो तीन राज्यों में चुनाव हुए, इन खास पांच राज्यों में हुए, लेकिन खास तौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हमारी पार्टी की सरकार थी, तीनों जगह हम पूरी तरह से हार गए, हमारी सरकारें चली गई, कांग्रेस की सरकार बन गई। मिजोरम में भी हमारा एक ही MLA आया, कांग्रेस के पांच हुआ, और उसमें आपके तेलंगाना में हमारा एक ही MLA आया और कांग्रेस के वहाँ 19 है। तो ये सब जो है इसमें मोदी जी का मंत्र और चक्रव्यूह जो है शाह जी के फेल हो गए पूरे, और शाह जी को अपने ऊपर लेनी चाहिए हर की जिम्मेदारी। और इसके अलावा चूंकि भाजपा का अगले चुनाव में जीतना जरूरी है और मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, लेकिन अब ये मोदी जी के मंत्र और उनके साजी के चक्रव्यूह से हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए संगठन और सरकार में कुछ फेरबदल करने भी जरूरी है। नंबर एक, श्री नितिन गडकरी को उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, उनकी छवि अच्छी है। इसके अलावा श्री आदित्यनाथ योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर इन्हें धर्म के काम में लगा देना चाहिए और श्री राजनाथ सिंह जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। श्री अमित शाह अपना चक्रव्यूह राज्यसभा में चलावे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद श्री शिवराज सिंह चौहान को दे देना चाहिए। और कार्यकर्ता जो हमारे इस समय पूरे देश में हताश है और निराश है, मन ही मन घुट रहे लेकिन जुबान नहीं खोल पाते, अगर अपनी जिम्मेदारी को इन्होंने वोट दिया, नैतिक जिम्मेदारी को, और ये परिवर्तन कर लिए तो कार्यकर्ताओं की निराशा हताशा जो है वो कम हो जाएगी और उनमें नई ऊर्जा का संचार होगा और आगे चुनाव हम जो है जीत सकेंगे। धन्यवाद।